दोस्तों, बजट 2020 में नया टैक्स रेट स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया इनकम टैक्स का, जिसके अंदर मल्टीपल टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, लेकिन साथ में टैक्स रेट भी कम कर दिए गए, लेकिन साथ में लोगों को यह भी ऑप्शन दिया गया कि आप या तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं और या फिर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं सीएबीए इन्फोवेंट्री। अगर किसी साल में आपको यह लगता है कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा है, तो उस साल में आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अगले साल में आपको यह लगता है कि आपको न्यू टैक्स स्ट्रक्चर सूट करता है, तो उस साल में आप न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पर कॉम्प्लिकेशन ये हो गई कि हर बंदे को अपनी ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उसको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहिए या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि दोनों में से जहां पर भी उसको टैक्स कम देना पड़े, वही टैक्स स्ट्रक्चर उसको ऑप्ट करना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सके दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, मीनिंग देयर बाय अंडर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर एज वेल एज ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर, और उन दोनों को कंपेयर करने के बाद जिसमें भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है उसको ऑप्ट करें, आप अपने लिए कैलकुलेशन कर सकें कि कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा होगा और उससे आपके लिए टैक्स की सेविंग होगी। आपको पहला वाला यानी कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए या नया वाला, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप हर टैक्स स्लैब के साथ कितना डिडक्शन क्लेम करें जिससे कि आपके लिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बेनिफिशियल हो जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसा टैक्स कैलकुलेटर जिसमें कि आप अगर अपनी इनकम और जो डिडक्शंस आपको अवेलेबल है अगर वो आप उसके अंदर डालेंगे, तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर फायदे का सौदा है या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, और अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकेंगे कि किस टैक्स स्ट्रक्चर के साथ आपको जाना चाहिए। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए, एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि अब 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आप न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में जाएं या ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के साथ। इसके बाद हम देखते हैं अगले स्लैब को। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में भी 5% टैक्स देना पड़ेगा और ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में भी आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको एक छूट मिलती है और वो मिलती है अंडर सेक्शन 87A, वो मिलती है आपको टैक्स की, यानी कि जितना भी टैक्स आपका बनता है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर, वो पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, या 12,500 रुपए तक, उन दोनों में से जो भी कम हो, मीनिंग देयर वाई विच एवर इज लोअर। तो इस तरह से 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, चाहे वो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर हो या आपका ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर हो। अब आपको जहां तक ध्यान हो, ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में
5 लाख से 10 लाख तक के स्लैब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपकी इनकम अगर 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ता है। इसी तरह से ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में 10 लाख या उससे ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर इस स्लैब को भी 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। यानी कि अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। मीनिंग देयर बाय इफ योर इनकम इज फ्रॉम रुपीज 10 लाख टू 12.5 लाख देन यू हैव टू पे 20% टैक्स अंडर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ता है। मीनिंग देयर बाय इफ योर इनकम इज फ्रॉम रुपीज 12.5 लाख टू 15 लाख तक है देन यू हैव टू पे 25% टैक्स अंडर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। मीनिंग देयर बाय इफ योर इनकम इज मोर देन रुपीज 15 लाख देन यू हैव टू पे 30% टैक्स अंडर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। नाउ आई विल शेयर विद यू ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन विच इज अटैच्ड विद न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। जी हां, अब मैं आपसे शेयर करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जो जुड़ी हुई है न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के साथ। इफ यू ऑप्ट द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर देन यू कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शन और एग्जेम्पशन विच आर अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नाउ यू विल आस्क व्हाट आर दोज डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस विच यू कैन नॉट क्लेम अंडर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, एज पर सेक्शन 115 BAC, इफ यू ऑप्ट द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर then you cannot claim the deduction under Chapter 6A of the Income Tax Act, like deposit of LIC premium, deposit under PPF, deposit in PF, purchase of NSC, deposit in Sukanya Samriddhi Scheme, etc., which are available under Section 80C, deduction for donation under Section 80G, no standard deduction of rupees 50,000 from salary. अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो कौन कौन से main deduction और exemption हैं जो आपको available नहीं होंगे अगर आप new tax structure को opt करते हैं। इसमें सबसे पहला है, आपको as a salaried employee standard deduction मिलता है 50,000 का, और वो आपको नहीं मिलेगा। सेकंड है, आपको जो मिलता है हाउस रेंट अलाउंस विच इज HRA का डिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको ATC के अंदर यानी के LIC प्रीमियम पे करते हैं, PPF में डिपॉजिट करते हैं, PF में डिपॉजिट करते हैं, या फिर आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में डिपॉजिट करते हैं, या फिर आप NSC परचेस करते हैं, इन सब का भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये मैंने कुछ मेन डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस हैं उनको अभी आपसे यहां पर डिस्कस कर दिया है। इसकी कंप्लीट लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आपको फुल जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेंगे अगर आप
न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को अप करते हैं। हालांकि अगर आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर अप करते हैं तो ये सारे डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस आपको अवेलेबल होंगे और आप इनको क्लेम कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय इफ यू ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर देन ऑल दीज डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस शैल बी अवेलेबल टू यू एंड स्टिल यू कैन क्लेम ऑल ऑफ देम। यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि ये जो डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस हैं वो बहुत सारी बार बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट के होते हैं और उसकी वजह से आपकी बहुत बड़ी टैक्स सेविंग हो जाती है। मींस मेनी ए टाइम्स दीज डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस आर अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट एंड देयरफॉर दे रिजल्ट इनटू अ लार्ज टैक्स सेविंग फॉर यू एज एन इंडिविजुअल और HUF। अब मैं आपसे अलग अलग सिनेरियो की बात करूंगा जिसमें कि टैक्स में कितना फायदा या कितना नुकसान होगा अगर आप न्यू टैक्स स्लैब को ऑफ करते हैं। सबसे पहले केस में हम ऐसा मानकर चलते हैं कि एक पर्सन कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा है और वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, इसलिए उसको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिल रहा है। अगले केस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो सैलरीड एम्प्लॉय है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल ही रहा है, इसके साथ ही साथ वो उन टैक्स सेविंग स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है या एक्सपेंसेस कर रहा है जो कि एलिजिबल हैं फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और इस तरह से वो मैक्सिमम 1.5 लाख का जो मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C वो अवेल कर रहा है। अगले केस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि पर्सन सैलरीड एम्प्लॉय है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल ही रहा है, उसके साथ ही साथ वो 80C का पूरा 1.5 लाख का एग्जेम्पशन भी क्लेम कर रहा है और इसके अलावा उसकी अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है और उस पर उसने लोन ले रखा है और उस पर वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इस कंडीशन में वो 2 लाख रुपीस तक का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी अपनी टैक्स कंप्यूटेशन में क्लेम कर रहा है। अगले केस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो सैलरीड एम्प्लॉय है और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर रहा है और वो 80C का भी डिडक्शन क्लेम कर रहा है, इसके अलावा उसने अपने लिए मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है और इसलिए वो सेक्शन 80D के अंदर 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर रहा है। इसके साथ ही साथ उसको अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA मिलता है और वो उसका भी डिडक्शन यहां पर क्लेम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पहला केस आपसे डिस्कस किया उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर टोटल टैक्स आ रहा है 2,57,400 जबकि न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर टोटल टैक्स आ रहा है 1,95,000 और इस तरह से आपको टोटल टैक्स सेविंग हो रही है ₹62,400 की और इसलिए जो नया टैक्स स्लैब है उसके अंदर आपको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है और इसलिए जो बेटर ऑप्शन आपके लिए है और वो है न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। तो मैंने आपसे ये कंप्यूटेशन शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं जिन नंबर्स की बात कर रहा हूं आप उनकी जगह अपने एक्चुअल नंबर्स वहां पर डालकर ये पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर फायदे का सौदा है, यानी कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरे एग्जाम्पल की।
एक एग्जांपल में जहां पर की टैक्स पेयर स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही साथ अपना कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी कर रहा है जो कि एलिजिबल हैं फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लाइक PPF, LIC, सुकन्या समृद्धि स्कीम और दूसरी स्कीम्स जो कि एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 80C। एंड इस केस में आप देखेंगे कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 210,600, लेकिन न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी 1,95,000। और इस तरह से जो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें उसको लेस टैक्स पे करना पड़ रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ ₹15,600। एंड अकॉर्डिंगली इस केस में भी न्यू टैक्स स्ट्रक्चर उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। इस केस में वो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C डिडक्शन के अलावा, क्योंकि उसने होम लोन भी ले रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पर, जिस पर कि वो 2,00,000 रुपए तक का इंटरेस्ट पे कर रहा है और उसका डिडक्शन वो क्लेम करता है, ऐसी कंडीशन में उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में आती है 1,48,200, जबकि न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में उसकी लायबिलिटी आती है 1,95,000। अकॉर्डिंगली उसको टैक्स सेविंग हो रही है 46,800 रुपीज की अंडर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर, बिकॉज न्यू टैक्स लायबिलिटी स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इनटू हायर टैक्सेस। इसलिए उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर को ऑप्ट करे। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, दैट इज फोर्थ वन, जिसमें कि सैलरीड एम्प्लॉय स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ 80C का 1,50,000 का फुल डिडक्शन क्लेम कर रहा है और अपनी मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर वो 50,000 रुपीज दे रहा है और वो अकॉर्डिंगली 80D का डिडक्शन भी क्लेम कर रहा है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयर से HRAB यानी के हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कर रहा है, तो उसका डिडक्शन भी उसको 2,50,000 का मिल रहा है और इस तरह से उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में आती है 1,17,000 रुपीज, जबकि न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है 1,95,000 रुपीज। दिस रिजल्ट्स इनटू टोटल टैक्स सेविंग ऑफ ₹78,000 अंडर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। इसलिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर इज द बेटर ऑप्शन इन दिस सिनेरियो। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल की, कि अगर आप 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन लेते हैं अंडर सेक्शन 80C और ₹50,000 का डिडक्शन लेते हैं अंडर सेक्शन 80D फॉर मेडिक्लेम प्रीमियम, तो उस सिनेरियो में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है ₹1,95,000 अंडर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर एंड अंडर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, यानी के दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर यू। आप चाहे ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के साथ जाएं या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के साथ जाएं, दोनों में ही आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,95,000 होगी। यहां पर किसी भी टैक्स स्ट्रक्चर के साथ जाने में आपको कोई भी फायदा या नुकसान नहीं। तो इस तरह से वी डिड द एनालिसिस। इससे हमको एक बात समझ में आती है कि जो पर्सन बहुत सारे डिडक्शन क्लेम करता है अमाउंट वाइज, लाइक अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80D, मींस वे अपनी LIC में भी प्रीमियम भरता है, वो NSE भी लेता है, वो टैक्स सेविंग FD भी परचेस करता है 5 ईयर्स वाली, सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्वेस्ट करता है, मेडिक्लेम प्रीमियम भी देता है और इसके अलावा वे हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन भी क्लेम करता है और वो और दूसरे डिडक्शंस जो अवेलेबल हैं इनकम टैक्स के अंदर उनको भी क्लेम करता है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर
इज द प्रीफर्ड चॉइस फॉर हिम। लेकिन ऐसे केस में जहां पर की पर्सन कोई भी किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, जिसमें उसको कोई टैक्स डिडक्शन मिले, या कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं करता है जिससे उसको टैक्स डिडक्शन मिले, तो ऐसे केस में उसके लिए न्यू टैक्स स्ट्रक्चर इज द प्रीफर्ड ऑप्शन। मैंने एक टैक्स कैलकुलेटर आपकी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसमें आप अपनी वेरियस इनकम्स और डिडक्शंस के लेवल अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के साथ डाल सकते हैं, और उन फिगर्स को डालते ही ये कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपके लिए न्यू टैक्स स्ट्रक्चर फायदे का सौदा है या ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर, और इस तरह से आप अपना डिसीजन इमीडिएटली ले पाएंगे। हालांकि आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ इनकम लेबल्स के साथ आपको ये थंब रूल बता देता हूं कि उसमें आप कम से कम कितना डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करें, जिससे कि आपके लिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में जाना फायदे का सौदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज है, तो अगर आप रुपीज 1 लाख से ज्यादा का डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा होगा। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है, तो अगर आप 1.25 लाख से ज्यादा की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा होगा। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 8.5 लाख रुपीस है, तो अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा होगा। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 9.5 लाख है, तो अगर आप 1.75 लाख रुपीस से ज्यादा की डिडक्शन और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। लाइकवाइज, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीस है, तो अगर आप 1.88 लाख से ज्यादा की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। इसी तरह से अगर आपकी इनकम रुपीस 11 लाख है, तो अगर आप 1.89 लाख से ज्यादा की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा होगा। लाइकवाइज, अगर आपकी इनकम 12.5 लाख रुपीस है, तो अगर आप 2.1 लाख से ज्यादा की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा होगा। इसी तरह से अगर आपकी इनकम रुपीस 15 लाख है, तो अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा होगा। तो आपकी अलग अलग इनकम लेवल के लिए भी मैंने वो ब्रेक इवन पॉइंट्स अभी आपसे शेयर किए, जिस पर अगर आप कम से कम इतना डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सैलरीड एम्प्लॉय के केस में ये ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर कि वो ईयर टू ईयर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर से न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में जा सकता है, मींस उसको ऑफ कर सकता है। यानी कि सपोज कीजिए आपने ईयर 2020 के अंदर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर को ऑफ किया था, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर आपका टैक्स कम जाएगा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम में
इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पर्संस एक बार जिस साल में इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर से न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, तो वो उसके बाद सिर्फ एक बार ही इसको विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक बार ही दोबारा न्यू टैक्स स्ट्रक्चर से पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में आ सकते हैं, उसके बाद नहीं, अनलेस किसी साल में उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है। सो देयर इज अ लिमिटेड ऑप्शन इन केस ऑफ टैक्स पेयर्स हैविंग बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, मींस ऑप्शन कैन बी विथड्रॉन ओनली वंस वेयर इट वॉज एक्सरसाइज बाय द इंडिविजुअल और HUF हैविंग बिजनेस इनकम फॉर ए प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज, एंड देयर आफ्टर द इंडिविजुअल और HUF शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट वेयर सच इंडिविजुअल और HUF ceases to have any business income, in which case option shall be available as in case of taxpayers having no business income. तो एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर कोई person एक साल में अपनी income में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के deductions और exemptions claim कर रहा था, तो उसके लिए old tax structure फायदे का सौदा है। और जैसा कि हमने देखा है कि नॉर्मली एवरी पर्सन सेव्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख और मोर इन ईयर इन टैक्स सेविंग स्कीम्स, हाउएवर इफ ही एक्सपेंड्स और सेव्स अमाउंट लेस देन रुपीज 2.5 लाख इन ईयर इन टैक्स सेविंग ऑप्शंस ड्यू टू वेरियस कंपेलिंग रीजंस लाइक a person is not able to invest that much of the amount in income tax saving schemes, then the new tax structure is the preferred option. कई बार क्या होता है कि senior citizens के केस में कि वो अपना ज्यादा पैसा invest नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी condition में भी उनके लिए न्यू टैक्स स्ट्रक्चर विल बी द प्रीफर्ड ऑप्शन। वहीं एक यंग टैक्स पेयर के लिए जो कि अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेव कर लेता है या ऐसी स्कीम्स के ऊपर खर्च करता है जिससे उसको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर इज द प्रीफर्ड ऑप्शन, क्योंकि एक यंग टैक्स पेयर के लिए इनिशियली उसकी लाइबिलिटीज कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं और वो अपनी अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा सेव कर पाता है। नटशेल में जो लोग पहले से बहुत ज्यादा सेविंग्स करते चले आ रहे हैं और आगे भी ज्यादा सेविंग करने की प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर फायदे का सौदा है। लेकिन अगर कोई पर्सन पास में भी अपनी बहुत सारी सेविंग नहीं कर पाता था ड्यू टू वेरियस कंपेलिंग रीजंस और इस वजह से वो अपना पूरा एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस भी क्लेम नहीं कर पाता था, तो उसके लिए न्यू टैक्स स्ट्रक्चर शैल बी द बेटर ऑप्शन। दोस्तों, ये मेरा प्रयास था आपको प्रोज एंड कॉन्स शेयर करने का बिटवीन ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर एंड न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय एंडोर टू शेयर विद यू द प्रोज एंड कॉन्स बिटवीन द ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर एंड न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, सो दैट यू मे टेक an informed and judicious decision. तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CABA इंफोवेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।